वेलकम बैक। और पहले से जो वीडियो मैंने शूट की थी उससे रिलेटेड ही ये आगे इसकी कंटिन्यूटी है पहले टॉपिक के साथ, दैट इज द लैंड ऑफ पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ लोकेशन बेस पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लोकेशन में आप लोगों को क्या क्या कुछ पता होना चाहिए। लंबी जुड़ी बातें नहीं है, तीन चीजें हैं सिर्फ। कितनी? थ्री, ओनली थ्री पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है और लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? वो तीन पॉइंट क्या है? नंबर वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिटर्न, ये आपके सिलेबस में रिटर्न है, सो लीगल है ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए। वेयर इट इज ऑन द मैप, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई। लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? दूसरा, लैटिट्यूड पाकिस्तान का 36 डिग्री नॉर्थ। मैं अभी मैप शेयर कर रहा हूं आपके साथ, पिक्चर पे आपके भी जो स्क्रीन के ऊपर है वो शो होंगे। लॉन्गिट्यूड 64 डिग्री ईस्ट, कहां से पास हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। 70 डिग्री ईस्ट एंड 76 डिग्री ईस्ट। सो मैं अब इसको दोबारा से एक दफा से बोल दूं आपके सामने जल्दी जल्दी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको जो लैटिट्यूड में अगर गिने तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड 36 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 64 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड 70 डिग्री ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री ईस्ट। ये मैप में कहां कहां पे हैं यू मस्ट बी केपेबल एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है? एक पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, द अरेबियन सी, वेयर इट इज ऑन द मैप। अरेबियन सी इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, और लॉजिकली 3 to 350 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ना सी का, किसी भी कंट्री के साथ जो सी बाउंड्री होती है 300 to 350 किलोमीटर तक वो उस कंट्री का पार्ट होता है। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं, द कंट्रीज शेयरिंग अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, कंट्रीज। अच्छा, अब मैं यहां पे सराउंडिंग नहीं बोलूंगा, डायरेक्शंस, क्योंकि पहली वीडियो में हम देख चुके हैं टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। डायरेक्शंस, विच कंट्रीज देयर इन द नॉर्थ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट एंड इन द साउथ, ऑब्वियसली देयर इज अरेबियन सी, सो डायरेक्शंस। एंड पाकिस्तान्स पोजिशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान्स पोजिशन इन रिलेशन टू अदर्स इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। साउथ एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में आपकी जो है वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, और साउथ एशिया में आपकी चाइना को भी हम टू सम एक्सटेंड इंक्लूड कर लेते हैं, इंडिया तो खैर है ही साउथ एशिया में, अफगानिस्तान भी अब सार्क का पार्ट है तो उसको भी साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं। तो सेंट्रल एशियन अफगानिस्तान के साथ जो पीछे वेस्ट में कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, वो सारी कंट्रीज जो हैं उस्तानिस्तान वाली, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, जैसे हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो एग्जामिनर सेंट्रल एशियन स्टेट भी लिख सकता है और वो एब्रीवेशन में सिर्फ CAS भी लिख सकता है। सो याद रखना है CAS मीन्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसके अलावा वो CAR भी लिख सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी उनको बोलते हैं। सो ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बजाय CAS लिखा हो तो आप परेशान हो जाओ, ये क्या है। और इसी तरह से अगर CAR लिखा हो तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है? तो इनकी हिस्ट्री में हमने नहीं जाना, सिर्फ इनकी लोकेशन के हवाले से हमारे जो सिलेबस के अंदर है। अच्छा, एक चीज जो है ना वो फोर्थ पॉइंट के तौर पे आप याद रख लें जो इंपॉर्टेंट है, ये तो आउटसाइड बाउंड्री की बात है ना, इनसाइड द बाउंड्रीज पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, नहीं, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है, प्रोविंस लाइक स्टेटस है उसका, प्रोविंस लाइक, कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बट अंडर कंट्रोल पाकिस्तान है, ठीक है? तो इस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे कि क्या सीन है, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस हम समझते हैं, हमारा हिस्सा है, हम उस पर वर्किंग करते हैं, सारा कुछ हमारे हैंड ओवर है वो, लेकिन वो प्रोविंस नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के 15 सिटीज हैं, अब ये नाम सुन लीजिएगा, क्लॉक वाइज अगर आप नॉर्थ से शुरू करें और क्लॉकवाइज उसको लेते हुए नीचे चलें तो मैं आपको सारी सिटीज बताता हूँ। 15 सिटीज जो है ना आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सिटी नंबर वन इस्लामाबाद, टू मरी, थ्री रावलपिंडी, फोर गुजरांवाला, फाइव लाहौर, सिक्स फैसलाबाद, सेवन्थ मुल्तान, एट सियालकोट, नाइन्थ पेशावर, टेंथ चित्राल, इलेवेंथ गिलगित, ट्वेल्थ हैदराबाद, 13th कराची, 14th कोयटा एंड 15th
गवादर, ठीक है। ये सिटीज मैप पे इनके डॉट्स कहाँ कहाँ लगते हैं उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये लोकेशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपको अगर पता हैं तो आपकी तैयारी जो है लोकेशन के हवाले से कंप्लीट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई एम कमिंग बैक इंशाल्लाह वेरी सून। दिस इज एंडिंग ऑफ द वीडियो 2 विच इज़ अबाउट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान।